कराई जाएगी। रायपुर में धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है, जहां विधानसभा रोड पर एक पेट्रोल पंप से डीजल लेने के बाद बस संचालक ने भुगतान नहीं किया, जिसके बाद पंप संचालक ने आरोपी की शिकायत पुलिस थाने में की। जानकारी के अनुसार बस संचालक और उसका बेटा पिछले 15 साल से पेट्रोल पंप से उधार डीजल लेते आ रहे हैं और इसका भुगतान समय समय पर चेक और कार्ड के माध्यम से करते थे, लेकिन पेट्रोल पंप मालिक ने बताया कि वर्तमान में करीब 2 लाख रुपए का भुगतान आरोपियों ने नहीं किया है। वहीं आरोपी ने जो चेक पेमेंट के लिए दिया था वह चेक बाउंस हो गया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। अभय भंसाली की शिकायत पर एक प्राथमिकी किया गया है। इसमें प्रार्थी के पेट्रोल पंप से आरोपी ने 1,90,000 रुपए का फ्यूल डलवाया था और एक उसके एवज में चेक दिया था, बाद में वो चेक अनादित हो गया, तो प्रार्थी की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।